अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल फाइन इंशाल्लाह। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस फ्रॉम बुक चैप्टर नंबर 3, मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इसकी हमने रीडिंग की थी, रीडिंग सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डू यू कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव योर रीजंस। कि आपके आप किन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं और उसकी रीजन क्या है वो आपने बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी नोटबुक स्टडी करनी है, डेट डे मार्जिन ड्रॉ करनी है आपने टू फिंगर स्पेस पे। सेक्शन नंबर 1 जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 3 द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। क्वेश्चन आपने नोट डाउन करना है, विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डू यू कंसीडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव योर रीजंस। ग्रेन्स, अनाज मस्ट बी परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिकॉज दे फॉर्म द बेसिक डाइट ऑफ ऑल पीपल। अनाज जो है वो हमारे नजदीक जो है वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हर इंसान की, तमाम लोगों की बुनियादी खुराक होते हैं। अनाज जैसे दालें हैं, गंदम, चावल, ये क्या है, हमारी बुनियादी खुराक का हिस्सा है। नेक्स्ट है फाइबर्स, फाइबर्स आर प्रोबेबली नेक्स्ट। फाइबर्स जो है वो उसके बाद आता है, जैसे जिसमें आता है कॉटन, वूल एंड देन लीलन फ्रॉम फ्लैक्स। फ्लैक्स कहते हैं अलसी को, अलसी के जो बीज होते हैं, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स कहते हैं। फाइबर उसके बाद आता है जिसमें कॉटन, वूल और लीलन। एज एवरी वन हैज टू बी क्लॉथ, कि जिस खुराक और कपड़ों की ज्यादा जरूरत होती है और यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक प्रेजेंटेशन आपने रेडी करनी है। ट्राई टू शो एज मैनी एक्चुअल सैंपल्स एज पॉसिबल, के पाकिस्तानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके आपने कोशिश करना है कि कुछ सैंपल्स आप लोग कलेक्ट करके, तो वो अपनी नोटबुक पे उनको पैकिंग में करके तो अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर लेंगे प्रेजेंटेशन के तौर पे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर। बुक में आपको कुछ नेचुरल रबर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, उसके अलावा आपने नेचुरल रबर के प्रोडक्ट्स लिखने हैं। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर अदर देन द वंस मेंशन्ड इन द बुक, ये जो बुक पे मेंशन किए हैं उनके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हम बताते हैं वो कौन से हैं। और ग्लव्स, जो रबर से ग्लव्स बनते हैं। टॉयज, खिलौने, बलून्स, रबर बैंड्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एक्सेट्रा, यानी ये सारी चीजें नेचुरल रबर से तैयार की जाती हैं। जो आपकी बुक पे मेंशन है उनके अलावा ये चीजें हैं जो नेचुरल रबर से तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान इम्पोर्ट्स एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टी, फाइंड आउट द अमाउंट्स इम्पोर्ट एंड कंज्यूम्ड। कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी चाय जो है वो इंपोर्ट करता है, आपने अमाउंट बतानी है इनकी कंजम्पशन। द हाईएस्ट कंजम्पशन पर पर्सन इन यूके, यूके में कितनी है, 2.3 केजी पर हेड पर ईयर। कि एक बंदे की जो पूरे साल की है वो है 2.3 केजी। पाकिस्तान कंजम्पशन इज कंपैरेटिवली लोअर, कि पाकिस्तान की यूके के निस्बत जो है यूके के मुकाबले में बहुत लोअर है, 0.7 केजी पर पर्सन पर ईयर। ये 0.7 केजी एक बंदा जो है वो एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड मार्क द कंट्रीज वेयर दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर फाउंड, मेक योर ओन सिंबल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। कि आपने एक मैप लेना है, स्टेशनरी शॉप से मैप मिलते हैं, वो आपने मैप लेना है और उन मुस्लिम कंट्रीज को मार्क करना है जहां पे ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो होती हैं, और उनके नीचे एक आपने कॉलम बना के
तो आपने मुस्लिम कंट्री का नेम लिखना है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आगे लिखने हैं। आपने सिंबल्स यानी उनपे निशान जो है वो आप कलरिंग में कर लें, कोई भी कलर करके, तो उसको मेंशन कर दें मैप पे। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेशनल डिशेस ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज मेंशन्ड अबव। आल्सो राइट व्हाट द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईच डिश इज। मुस्लिम कंट्रीज की नेशनल डिशेस लिखनी है आपने और उनके मेन इंग्रेडिएंट्स लिखनी है कि उन डिशेस में कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर जो आपको नोट डाउन करवाए उनकी समझ आ गई होगी और ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखने हैं आपने। और जो इसमें प्रेजेंटेशन है वो मैप वाला, मैप की एक्टिविटी है, ये सारी भी आपने सॉल्व करनी है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।